बेस्ट स्कोर टू गेट बीपीकेएचआईएस एंड आईओएम अप्रोक्सीमेटली कहकर एक क्वेश्चन आया है, उस पर डिस्कस करने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जी आईओएम या बीपीकेएचआईएस या जो भी रिप्यूटेड कॉलेज है नेपाल में, उसका फी कितना लगता है डोनेशन में यदि पढ़ने जा रहे हैं हम, तो उस पर बात करने वाला है। तीसरे क्वेश्चन बोलेंगे तो आप सर एग्जाम कब हो रहा है, इस पर भी बात चर्चा करने वाले हैं। और ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, जो बांग्लादेश एम्बेसी का फॉर्म खुला था नेपाली स्टूडेंट के लिए, उन पर भी बात करने वाले हैं हम लोग इसमें। कि जो कोई स्टूडेंट है जो उसका लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो मैंने दिया है गवर्नमेंट स्कूल से है, तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है वहाँ पर, इस पर भी चर्चा करेंगे ज़रूर आपके। और ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ देख रहे हैं आप पेपर में, और मैंने लिया है सबके जो जिज्ञासा है उस पेपर पर नोट किया है, और इसी वीडियो में चर्चा करेंगे हम सब लोग। चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सरस्वती माँ का, बोल रहा है कि जो एक मैंने वीडियो डाले थे वहाँ पर कि क्राइटेरिया यदि हम स्कोर कर रहे हैं 100 मार्क, तो कौन सा कॉलेज हमको मिल सकता है 100 मार्क, यदि 200 में आउट ऑफ 200 वी आर स्कोरिंग जस्ट 100, देन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उस पर बात किए थे। उन पर उन वीडियो पर कमेंट आया है, गुड वीडियो सर बट व्हाट इज द सेफ स्कोर टू गेट बीपीकेएचआईएस और आईओएम अप्रोक्सीमेटली। देखिए सेफ स्कोर की बात करेंगे तो सेफ स्कोर कहने का मतलब आपको बीपीकेएच या आईओएम की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज नेपाल में, ये खुद एक अपने आप में एक बहुत वैल्यूबल ब्रांड है। और हर एक स्टूडेंट का जो मेडिकल का एस्पायरेंट्स है, प्री मेडिकल स्टूडेंट है, वो हर कोई चाहता है कि मुझे धारान मिल जाए या आईओएम मिल जाए। तो इसमें जो आप सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, तो सेफ स्कोर कहने का मतलब 200 में आपको कम से कम मिनिमम 130 से आप जितना अधिक ले आ सकते हो उतना अच्छा, लेकिन 130 ले आएंगे तो डोनेशन में भी आपको शायद जाने के चांस मिल जाए क्या। और स्कॉलरशिप के लिए तो आपको अब कितना कट ऑफ आ रहा है उस पर पता चलेगा स्कॉलरशिप के उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फनी बन का, फनी बन बोला है सर एमबीबीएस नेपाल का फॉर्म कब तक आएगा। देखिए इस पर मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, उस वीडियो का टाइटल है जो कि डेट फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2021 कहकर है, वो आप जाकर एक बार देख लीजिए। और एंट्रेंस एग्जाम टिप्स प्ले लिस्ट में होगा वो वीडियो, आप जाकर देख लीजिएगा एक बार। सही जोहन रे पूछ रहे हैं हमसे कि प्लीज़ सर व्हाट इज़ द फी फॉर एमबीबीएस इन पेइंग इन नेपाल फॉर नेपलीज स्टूडेंट। नेपलीज स्टूडेंट्स के लिए जो डोनेशन में पढ़ने के जा रहे हैं, पेइंग में पढ़ने जा रहा है, उसके लिए क्या फी स्ट्रक्चर है यहाँ पर नेपाल में। देखिए नेपाल की आप फी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट में बोल सकते हैं आप 40 से 50 लाख सकता है। आप लाख ही में बोल रहे होंगे आप कि उतना लग सकता है, लेकिन आप जो टू द एग्जैक्ट बोलेंगे तो पहले जो पिछला पैटर्न है उसे देखकर हम कहेंगे, तो जो धरान का है बीपीकेएचआईएस धरान में जो है बीपीकेएचआईएस, उसका जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा था डोनेशन में। नेपली जो स्टूडेंट है उसे फुल डोनेशन में पढ़ने के भी उसमें थी नहीं है, अलाउ नहीं है, वो सिर्फ फॉरेन कोटा के लिए फुल स्कॉलरशिप होता है, फुल पेइंग होता है, फुल डोनेशन जो सिर्फ फॉरेन इंडियन स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसमें तो ऐसे ही जब आप जाएंगे तो 70 तक लग सकता था, 60-70 के बीच में आपको लग सकता था, लेकिन मैक्सिमम 70-75 आप बोल सकते हैं। तो ऐसा ही जो पेइंग में के बात है ना, वो भारी करता है कॉलेज अनुसार, कॉलेज टू कॉलेज वैरी होता है उसका फी। तो आप अबाउट में बोलिए कि 40 से 50 बोल सकते हैं, या 40 से 55 या 55 से, आप 5-10 ऊपर लेकर चल सकते हैं, 40 से 50 बोलिए आप। प्रशांत कुमार बोल रहे हैं हेलो ब्रो आई एम एलिजिबल 1 ईयर ड्रॉप आउट एंड हैड अबव 8 GPA बट आई डिडंट पास द प्रीवियस ईयर आईओएम एग्जाम्स, आई एम एलिजिबल टू सबमिट द फॉर्म इन पेइंग। वो बोल रहा है जो बांग्लादेश के लिए मैंने बोला था बांग्लादेश एम्बेसी का फॉर्म खुला है, उस पर के कमेंट है। उन्होंने पूछ रहा है कि जो हम एक ईयर ड्रॉपर भी हैं और जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने पास नहीं हुआ है, तो क्या मुझे देने के फॉर्म भरने के मिलेगा और मुझे जाने के मिलेगा। तो हाँ आपको मिल सकता है, फॉर्म भरने को मिल सकता है, क्योंकि आप 1 ईयर ड्रॉपर हो, ज़्यादा भी नहीं हो, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी है, फ्रेशर भी नहीं हो, सब कुछ है आपके पास, तो आपको मिल सकता है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन फिर भी जब फॉर्म भरेंगे आपको सिलेक्शन भी हो जाता है तो शायद आपको सी पास नहीं करेंगे तब तक जाने को नहीं मिलेगा। तो बेहतर होगा आपकी जो एक बार कंसल्ट करें वहाँ पर एम्बेसी में कि क्या कह रहे हैं वहाँ पर, फॉर्म के संबंधित जानकारी लें और उसके बाद फॉर्म भरें। और बात रही कि आप फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है, अब जाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो आपको सी का रिजल्ट आएगा तो जाने के मिल जाएगा,
कि नहीं मिलेगा आप, तो वही लोग बताएंगे आपको। संतोष यादव पूछ रहे हैं, दाई मॉट 2 ईयर्स गैप स्टूडेंट हो, मैले आईओएम एग्जाम दिए को थिए ना, मेरो प्लस टू को जीपीए पनि राम्रो छ, तर संग पासपोर्ट छैन, के मैले अब पासपोर्ट बनाए र अप्लाई गर्न मिल्छ त हेल्प। वो बोल रहा है कि जो वैसे उनका भी क्या है कि जो प्लस टू 2 ईयर्स गैप हो गया, तो देखिए आपको 2 ईयर्स गैप हो गया तो मैंने बांग्लादेश से बेसिकली बोल चुका हूँ कि जो 2 ईयर्स गैप है जो जिनको नहीं मिलेगा, 2 ईयर्स आप ड्रॉपर है, सिर्फ 1 ईयर का ड्रॉपर को मिलेगा और फ्रेशर का भी नहीं मिलेगा। तो आप 1 ईयर ड्रॉपर भी नहीं है ना, ना आप बोलिए कि जो फ्रेशर है, आप 2 ईयर्स ड्रॉपर भी हो गए, अगर फ्रेशर भी होते तो नहीं मिलता। सॉरी आप कोई नहीं, कोई झंझट नहीं कीजिए, पासपोर्ट भी नहीं बनाइए, आप बेकार का पैसा खर्च मत कीजिए, आपको जो पैसा होगा वो बेकार में खर्च हो जाएगा। मौसद इबिन बिन मलिक पूछ रहे हैं हमसे, व्हेन द क्लासेस विल स्टार्ट फॉर न्यू बैचेस, ये बोल रहा है कि जो जो MBBS का है वो न्यू बैचेस के लिए कब से क्लासेस स्टार्ट होगा। तो देखिए पहले तो एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद क्लासेस रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद एक सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसीड होगा, सब कुछ होने के बाद क्लासेस की डिसाइड होगा। लगभग आप बोल सकते हैं जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 1 से 1.5 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट हो जा सकता है। लिसा मुलमी पूछ रहे हैं हमसे, अनि फ्रेशर ले चाहिँ भर्न पाउँदैन यो फर्म, वी आर स्टिल वेटिंग फर 12 रिजल्ट्स एंड कमन इंट्रांस पनि भएको छैन। वो भी बांग्लादेश की जो एम्बेसी के लिए फॉर्म था उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं हमसे। हाँ तो देखिए आप फ्रेशर है तो भी नहीं भर पाएंगे, और अब 2 ईयर ड्रॉपर भी है तो नहीं भर पाएंगे, तो आप फ्रेशर में पड़े, फ्रेशर है तो नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। तो आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, आप सी के लिए प्रिपेयर कीजिए, उसके छोड़ दीजिए, आपको भरने के नहीं मिलेगा। थारिया मनीष पूछ रहे हैं हमसे, दाई गवर्नमेंट स्टूडेंट को लागे सेम सिलेक्शन प्रोसेस है। हाँ थारिया जी, आप जो गवर्नमेंट स्कूल से है बांग्लादेश एम्बेसी के लिए या प्राइवेट से है उसमें कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट से कि या प्राइवेट से। आप अगर गवर्नमेंट से भी है तो वही रूल आपके लिए भी अप्लाई होगा, और प्राइवेट से भी है तो वही रूल अप्लाई होगा, तो उसमें कोई झंझट करने के नहीं है। आपका GPA अच्छा है, आपको लग रहा है कि जो मेरा नाम निकल सकता है तो उसमें भर दिए। ब्राज शेरचंद पूछ रहे हैं हमसे, नमस्ते सर, इज रीडिंग एंड स्टडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन इनफ टू गेट डिसेंट मार्क्स इन अपकमिंग सी। वो बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन होता है यहाँ के नेपाल के लिए, जो पहले पहले का जो क्वेश्चन से पास्ट ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, क्या वो पढ़ने से जो इनफ है। तो देखिए इनफ तो नहीं बोल सकते आप, इनफ तो नहीं है, लेकिन आपके लिए 50%, अब जो टाइम तो ज़्यादा दिन नहीं ना, एक से पैंतीस दिन होगा, बोलिए कि जो 1 महीने से 35 दिन का करीब, 35-40 दिन के करीब में बाकी होगा अभी डेट। तो कहने का मतलब कि आप उतने दिन में तो दूसरा सब किताब कवर नहीं कर सकते ना, दूसरा जो PCB है, टोटल बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सेपरेटली कवर नहीं था। और जब आप PCB का सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन फ्लो करेंगे पास्ट ईयर का, तो क्या मिलेगा आपको कि एक साथ सब कोई रिवाइज होगा, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी बायोलॉजी भी सब एक साथ रिवाइज होगा, तो आपको ये बेनिफिशियल हो सकता है और आपको रिवीजन टाइम कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इनफ तो नहीं है लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आपको ये कह सकते हैं कि जो 10 से 50% तक इतना आपको हेल्पफुल कर सकता है, आपके चांसेस जो है उससे अपलिफ्टमेंट कर सकता है। उस सेम क्वेश्चन जैसा ही है बिरज शेरचंद है उनका क्वेश्चन, और यह मनत सराफ है जो उनका भी, सॉरी नाम अगर मुझे पढ़ने में दिकदारी हो रहा होगा तो उसके लिए, मनत सराफ है उनका भी क्वेश्चन सेम है। ये पूछ रहे हैं, इफ मैले नेम मॉड्यूल कंप्लीट सॉल्यूशन JPNP मेगा दिनेश इजी केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव PCB बायो ऑब्जेक्टिव बैंक यति को क्वेश्चन मात्र प्र्याक्टिस र राम्ररी मेमोराइज गरेया छ भने मेरो नाम स्कलरशिपमा आउँछन्। वो पूछ रहे हैं कि जब मैंने जो भी सॉल्यूशन है उनके पास, मॉड्यूल कोचिंग मटेरियल का हो गया और कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, जे इंडियन राइटर का JPN का हो गया, ऑब्जेक्टिव मेगा दिनेश का हो गया, सब कोई मैं जो भी वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबको मैं एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ और मेमोराइज कर ले रहा हूँ, तो क्या मेरा नाम निकलने के स्कॉलरशिप में चांसेस बढ़ जाएगा। त
हाँ जरूर बढ़ेगा, आपकी जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% आपके नाम आ सकता है, क्योंकि ऐसा है ना कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप ये मायने रखता है कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग के साथ बुझे, अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन में तो क्या आप उसके हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसे जो टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं, जो ट्विस्ट है उस क्वेश्चन में, उससे ये बात आपको डिटरमाइन करेगा। लेकिन हाँ आप ज़रूर वो सब रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में, अभी जो टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो आप जो लॉट्स ऑफ मटेरियल्स है, कोचिंग स्टडी मटेरियल्स है, वो सब तो कवर नहीं कर सकते ना, तो यही एक बेस्ट वे है कि जो सोल्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव सब एक बार रिवाइज करें, और कंसेप्ट में लॉजिक के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कवर करें, और आशा करेंगे कि आपका भी नाम स्कॉलरशिप में आए। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगर फिर से अगर दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आएंगे एक बार कि क्या है कैसा है, कहकर अगर कोई कंसेप्ट किसी का क्यूरीज आया, तो देखिए आपका क्यूरीज नहीं है, दूसरे के क्यूरीज भी है, तो आपको थोड़ा शायद मुझे लगता है कि इस क्यूरीज के माध्यम से भी आपको कोई आइडिया मिल रहा है नेपाल में MBBS के पढ़ने के लिए क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है आपको मिल रहा होगा। थैंक यू गाइज, सी यू सून, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।